दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट कहने का मतलब है आपके खाते में कितना बैलेंस क्रेडिट हुआ है और आपने कितना बैलेंस को डेबिट किया हुआ है, ठीक है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहो तो एक दिन का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मेरे भाई एक महीने का, या चाहो तो आप छः महीने का या साल भर का स्टेटमेंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है और टाइप करना है कैनरा बैंक नेट बैंकिंग लॉगिन, ठीक है। आपको इसे टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा online.canarabank.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन के ऊपर कैनरा बैंक का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपसे आपका यूज़र आईडी मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है। तो यूज़र आईडी आपका कस्टमर आईडी ही होता है दोस्तों, जो आपके पासबुक के पहले पेज में होता है, उसे आप यहाँ पे एंटर करिएगा। अपना पासवर्ड को एंटर करिएगा। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं आप तो यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप ऑप्शन बना हुआ है फॉरगोट, यहाँ पे देखिए क्रिएट रिसेट लॉगिन पासवर्ड, यहाँ से आप नया लॉगिन पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगोट करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को भरते हैं और फिर लॉगिन वाला बटन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप अपने नेट बैंकिंग के पेज के ऊपर लॉगिन हो जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जब आप लॉगिन हो जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे अपना बैलेंस, ये डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू मोर का, फिर आपको व्यू स्टेटमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर खुल करके आ जाता है। जैसे व्यू ऑप्शंस में करेंट मंथ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फिल्टर अप्लाई कर देना है, ये ऑल वाला जो ऑप्शन है इसे ऑल रहने देना है। ऑल कहने का मतलब है आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इसे आप रहने दें। फिर आप यहाँ पे अपने इच्छा के अनुसार से अपना जो है स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इस छोटे वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे करंट मंथ, इसी महीने का अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो इस वाले ऑप्शन को रहने देना है। अगर पिछले महीने का आपको डाउनलोड करना है तो पिछले महीने वाला जो ऑप्शन है प्रीवियस मंथ, इसे सेलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस क्वार्टर का आपको चाहिए स्टेटमेंट तो प्रीवियस क्वार्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्वार्टर कहने का मतलब पिछला चार महीना, ठीक है। यहाँ पे डेट रेंज देखने को मिल रहा है। यदि आप डेट का रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख के बीच में, ठीक है, मतलब दो तारीख सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डेट रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लास्ट एंड ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, मतलब पिछले 10 लेन देन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं करेंट मंथ ही रहने देता हूँ। अप्लाई फिल्टर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, फिर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हो, आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। ये आपका माई फाइल्स में डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से जाकर के फिर आप अपना स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।